और चले बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी से जुड़ी जानकारी मिल रही है, जिसमें 14 सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आईएएस सुदाम खाड़े बने आयुक्त जनसंपर्क ग्वालियर, रीवा और नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर बदले गए हैं। आईएएस विनोद कुमार को आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था का संचालक बनाया गया है। जेएन कंसोर्टिया को महानिदेशक प्रशासन अकेडमी की जिम्मेदारी दी गई है और रश्मि अरुण शमी अब खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव बनी है। बता दें कि एम सिल्वेंद्रन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के सचिव बनाए गए हैं। रघुराज एम आर तकनीकी कौशल शिक्षा विभाग के सचिव बनाए गए हैं। बाबू सिंह जामोद आयुक्त रीवा संभाग होंगे और स्वतंत्र कुमार सिंह आयोग भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग होंगे। कृष्ण गोपाल तिवारी को नर्मदापुरम संभाग का आयुक्त बनाया गया है। मनोज खत्री को ग्वालियर संभाग का आयुक्त बनाया गया है और हरजिंदर सिंह राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक होंगे। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, ये जो प्रशासनिक सर्जरी की गई है, लोकसभा चुनाव से पहले ही इसकी संभावनाएं थी लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से ये संभव है कि रुका हुआ था। देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लंबे समय से लोकसभा चुनाव के बाद से ही प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी थी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार 2 से 3 बैठकें कर चुके थे। प्रशासनिक जमावट अब जरूरी है क्योंकि विधानसभा और अब सरकार को बजट सत्र और आगे आने वाला विकास के एजेंडे पर काम करना है, तो इसी तहत 14 जो सीनियर आईएएस हैं उनके तबादले किए गए। सबसे अहम बात अगर बताया जाए तो ग्वालियर, रीवा और नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नरों को बदल दिया गया है। इसी तरह 2 सीनियर आईएएस विनोद कुमार और जेएन कंसोटिया, इन दोनों की जो एसीएस है और ये दोनों सीएस की दौड़ में, लेकिन इन्हें अब मंत्रालय से बाहर कर दिया गया है कहीं ना कहीं। तो निश्चित ही आने वाले समय में मुख्य सचिव को लेकर जो सीएम के मन में कि किसे मुख्य सचिव बनाया जाना, उस फैसले की तरफ भी ये कदम बताया जा रहा है। इसके अलावा जनसंपर्क आयुक्त संदीप यादव को हटाया गया है, उनकी जगह अब सुदाम खाड़े ये जिम्मेदारी संभालेंगे। तो काफी अहम फैसले हुए हैं। बाबू सिंह जामोद हो और जो कृष्ण गोपाल तिवारी है, मनोज खत्री, ये सब सीनियर आईएएस हैं, इन सबको संभाग बना के बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह जो रघुराज, उन्हें तकनीकी कौशल शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। एम सेल्वेंद्रम को किसान कल्याण विभाग में सेक्रेटरी बनाया। एक अहम स्कूल शिक्षा की पीएच जो रश्मि अरुण शमी, उनको भी चेंज किया गया, उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में भेजा गया। तो काफी महत्वपूर्ण बदलाव है और ये सर्जरी 1-2 दिन में और देखने को मिलेगी। करीब 1 दर्जन और कलेक्टर हैं आईएएस जो बदले जा सकते हैं, उसको लेकर भी 1-2 दिन में सूची आ सकती है या फिर विधानसभा सत्र के बाद ये सूची आएगी, लेकिन प्रशासनिक कसावट अभी कुछ दिनों और जारी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और, चूंकि शैलेंद्र ये प्रशासनिक बदलाव कर दिए गए हैं और इनकी जो जगह है, जो बदलाव किए गए हैं, वो अपने कार्यभार को कब से संभालने वाले हैं, कब से ये प्रभावी होगा, इसके बारे में भी कोई डिटेल या अधिसूचना त्वरित प्रभाव से प्रभावी है क्या? हाँ, देखिए आदेश जो आईएएस के होते हैं उसमें तत्काल प्रभाव से ही ज्वाइनिंग होती है, लेकिन क्योंकि आज वर्किंग डे, उसके बाद शनिवार रविवार मध्य प्रदेश में वर्किंग डे नहीं होता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादातर अफसर सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगे, इसलिए और ये प्रशासनिक रूप से अपना कामकाज संभालें, क्योंकि सबसे अहम है कि विधानसभा सत्र भी शुरू होना है, तो सभी को जो भी सहूलियत के हिसाब से जल्दी ज्वाइनिंग के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो ग्वालियर और रीवा के कमिश्नर्स जो है वो बदल दिए गए हैं। एमपी में ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मानी जा रही है।